कारण साख्य बृहदारण्यक परिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण तीसवें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। इसमें भक्ति प्रपंच का कहना था प्रत्येक पदार्थ एकत्व और अनेकत्व दो भाव में विभक्त होता है। जैसे गाय वो है स्वरूपत्व एकत्व है एक है किंतु तत्त अवयव को लेकर के भिन्न भिन्न हो जाती है। श्रृंग विशिष्ट गाय और अक्षी विशिष्ट गाय भिन्न हो गए। एक ही गाय में भेद है, प्रत्येक अवयव को लेकर के भेद है और अवयवी को लेकर के एक है तो देखा है। इसी प्रकार जो अमूर्त पदार्थ हैं वो तो आकाश आकार नहीं है, आत्मा आदि आकाश आदि वहां भी ऐसी कल्पना करना अनुमान से सिद्ध करना चाहिए। आत्मा भेदा भेदवान ऐसा करना चाहिए। वस्तुत्व आत्मा भी भेद और अभेद दोनों वाला है वस्तु होने से वस्तुत्व गोमत जैसे गाय है, जैसे गाय भेद भी है अभेद भी है। इस प्रकार आकाश आदि आत्मा आदि सब भेदा भेद वाले हैं ऐसा कहा। सिद्धांत के खंडन किया या आत्मा में भेद और अभेद अभेद ही एक ही है आत्मा एक और अनेक ऐसा नहीं अनेक नहीं एक ही है। क्यों आत्मा के विषय में सैंदव घनवत इत्यादि कहा है। जैसे नमक की डलनी में अन्य कुछ भी नहीं होता नमक ही होता उसमें पर एकत्व ही होता अनेकत्व नहीं होता। प्रज्ञान एक रस घन कहा श्रुति को ज्ञान घनी है ज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। इस श्रुति का विरोध होगा अनेक आत्मा को एक और अनेक दोनों मानने पर एक ही है। और विज्ञान आनंद ब्रह्म इत्यादि कहा विज्ञान स्वरूप ब्रह्म बोला है तो भारतीय प्रबंध ने कहा था कि नहीं जो दृष्टि आदि शब्द आया नहीं ग्रहतु दृष्टि विप्रलोभ ग्रहतुर ग्रहतिर विप्रलोभ जो आया बंकुर बंकर इत्यादि जो आठ पर्याय में जो कहा गया था वह होने से दृष्टि आदि आत्मा की दृष्टि अलग हो गई ना। दृष्टि आदि कहा उसके लिए कहते हैं दृष्टि आदि शब्द का भी अर्थ होता है विज्ञान ही होता है आत्मरूपी होता है। विज्ञान से अतिरिक्त आत्मा का स्वरूप विज्ञान स्वरूप है विज्ञान आनंद ब्रह्म कहा हुआ है। सत्यम ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप ऐसा होता है ज्ञान बताया तो ज्ञान शब्द प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसे बोला प्रज्ञान ब्रह्म है कहा इत्यादि रस कहा एक एक रस या एक ही स्वभाव है आत्मा अनेक स्वभाव वाला नहीं है। तो शब्द प्रवृत्तेश्च शब्द की प्रवृत्ति भी हम प्रमाण है कहते हैं। शब्द की जो प्रवृत्ति होती है ज्ञान भी तात्पर्य होता है उसका जो जो शब्द प्रयोग किया जाता है चाहे लौकिक शब्द हो चाहे वैदिक शब्द हो लौकिक शब्द हो चाहे वैदिक हो दोनों के दोनों शब्द प्रवृत्ति जैसे चक्षुषा रूपम विजान आदि ऐसा शब्द लोक में प्रयोग होता है चक्षु के द्वारा रूप को जानता है और श्रोत्र शब्द विजान आदि श्रोत्र के द्वारा शब्द को जानता है जानना मैंने ज्ञान है। और रसने अन्न से रसम विजान आदि रसना इंद्रिय जीवा में है उसके द्वारा अन्न के रस को जानता है इत्यादि जो बोला जाता है विजान आदि सर्वत्र सारे में कई भी प्रयोग करो शब्द प्रयोग करते हैं दृष्टियादि शब्द विधेय आरम्भ जो दृष्टादि शब्दों का वाच्यार्थ होता है वो वहाँ विज्ञान शब्द वाच्यता विज्ञान शब्द ही उसका अर्थ होता है। दृष्टियादि शब्दों का अर्थ विज्ञान ही होता है आत्मा का स्वरूप विज्ञान ठीक है। जो दृष्टि घ्राति आदि जो कहा नहीं दृष्टि 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 माने आत्मा की अलग दृष्टि नहीं है वो दृष्टि आदि से आत्मा अलग होता बोला था ऐसा नहीं है क्यों दृष्टि आदि का अर्थ ज्ञान ही आत्मा ही कहा था। शब्द प्रवृत्ति तो प्रमाण शब्द प्रवृत्ति एक प्रमाण है इससे भी सिद्ध होता है कि आत्मा में अनेकता नहीं है। भारतीय प्रपंच के जो मत है एक प्रत्येक वस्तु में एकत्व और अनेकत्व दो होता है ऐसा कहा आत्मा में ऐसा नहीं है। इसी को भारतीय है शब्द प्रवृत्तिश्च इत्यादि शब्द प्रवृत्ति से प्रमाण इति अंतभाष्य जो शब्द प्रवृत्ति से आरंभ करके शब्द प्रवृत्ति से प्रमाण तक भाष्य दृष्टियादिवच सामलोके प्रवृत्ते ज्ञान दर्शनाद्यप्तिमात्रम सैद अर्थस्ते असाम प्रसिद्धितः कथे
जो दृष्टि आदि शब्द लोक में होता है या दृष्टि शब्द आ गया तो दृष्टि विशिष्ट आत्मा भिन्न है और घ्राति विशिष्ट आत्मा भिन्न है, ऐसा ऐसा करके मतलब सुनने वाला आत्मा अलग, देखने वाला आत्मा अलग इत्यादि जो भक्त प्रतिकार कहते रहे दृष्टि आदि शब्द को लेकर। दृष्टि आदि वचसाम जो दृष्टि घ्राति भक्ति इत्यादि बोला गया है इन शब्दों का लोके प्रवृत्ति ज्ञान होती है, क्योंकि जो लोक में प्रवृत्ति ज्ञान में ये तात्पर्य होता है, दृष्टि आदि में ज्ञान ज्ञान ही होता है, दर्शन आदि से ज्ञान ही देखा है, इसलिए ज्ञप्ति मात्रम से आप अर्थस्थ ऐसा प्रसिद्ध होता है, उनका ज्ञान स्वरूप ही अर्थ होता है, जो दृष्टि बोलो श्रुति बोलो मति बोलो विज्ञाति बोलो ये सब का अर्थ ज्ञान ही होता है, प्रसिद्धि यही है। पंचस्रोत्रादि में साक्षात जानामीति समीक्षते शब्दादि यह लोके तो दृष्टिआदेश ज्ञान वाच्यता करते, पांच इंद्रियों के द्वारा पांच विषयों का ग्रहण किया जाता है, पंचस्रोत्रादि भी पांच स्रोत्रादि इंद्रियां हैं हमारी, इनके द्वारा साक्षात जानामीति समझ जहाँ जाता है, चक्षु के द्वारा हो श्रोत्र के द्वारा हो तो के द्वारा हो श्रोत्रेण शब्दम जाना जानाति जानामी हो जानाती हो जानामी चक्षुषा रूपम जाना घ्राणेन गंधम जानामी त्वचा परसम जानामी रसनेन अन्न रसम जानामी इत्यादि प्रयोग किया जाता है लोग पंचस्रोत्रादि पांच स्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा साक्षात जानामी इति समीक्षते साक्षात मन मैं जानता हूँ करके बोलता है, जानता कि इसमें सूरत्र आदि शब्द आदि को जानता हूँ बोलता है, शब्द आदि शब्द आदि को यह क्योंकि इस लोक में ऐसा और तो दृष्टि आदि ज्ञान वाचा दृष्टि आदि शब्द यहाँ जो कहा गया वह उनका वाच्यार्थ ज्ञान ही होता है, ज्ञानम वाच्य वैश्य ज्ञान ही वाच्यार्थ है, उनका अर्थ ज्ञान है, जानने में अंतर्भूत होता है ज्ञान ही होता है ठीक है, और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए आत्मा में अनेक होना संभव दृष्टि आदि को लेकर अनेक होना संभव नहीं, यही कह येन रूपं रसं गन्धं शब्दास्पर्शास्मैथुनान् एतेनैव विजानाति विजानातीत्यपि च श्रुतिशासनम्। कठोपनिषद का उपदेश है, शासन है कठोपनिषद का, येन एतेन इसी साक्षी के द्वारा, ये लोकपरि प्रमाता जो है ये साक्षी के द्वारा, येन रूपं रसं गन्धं शब्दास्पर्शास्मैथुनान् माने सारी क्रिया को जानता है, सब रूप को जानता है, रस को जानता है, गंध को जानता है, जिस साक्षी के कारण ये न साक्षर लोग जाना थी, जानने वाला प्रमाता आदि होगा लोग जानते हैं किसके द्वारा, साक्षी के द्वारा, एतेनैव इस साक्षी के द्वारा ही बीजानाती लोग बीजानाती कि मतलब परिशिष्ट आयुष्य क्या है उसके बारे में अनजान क्या रहा है, जिस जिसके माध्यम से ये सब लोग जानते हैं रूपादि का ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसके होने से, उस साक्षी के बारे में क्या नहीं है करके क्या कहना है, वो ऐसा ऐसा बताया हुआ है वह कठकार कहा। लाभ का पाचक हो गए थी कारक सतो यत संभेद क्रिया भी सो कारकता। देखो जब व्यक्ति छेदन क्रिया करता है तो लाभ का बोला जाता है, काटता है लाभ का कहा जाता है उस व्यक्ति को, वही व्यक्ति पकाने का जाप करेगा तो पाचक बोला जाता है, ये जो व्यक्ति में भेद आया लाभक और पाचक किसका क्रिया के कारण, व्यक्ति में भेद नहीं है उपाधि के कारण, वही व्यक्ति जब घास आदि काटने लगता है शस्य आदि काट छेदन करता है तो लाभक बोलते हैं उस काल में, और खाना पकाने भोजन बनाने का काम करता है तो पाचक बोला गया, व्यक्ति वही है ठीक है, लाभ का पाचको व्यक्ति लाभ का बोलो चाहे पाचक बोलो, कारकस्य जो कारक होता है करने वाले को तो लाभ का पापक होगा, छेदन क्रिया करने वाले को लाभक बोला जाता है और भोजन बनाने वाले को पाचक बोला जाता है, कारकस्य सतो है तो कारक होने पर संभेद हो गया, भेद हो गया शब्द में भेद आ गया क्रिया के कारण, किसके कारण क्रिया के कारण, तो छेदन क्रिया करता है तो लाभक बोलते हैं और पचन क्रिया करता है भोजन पकाता है तो पाचक बोलते हैं, व्यक्ति में भेद तो नहीं है क्रिया क्रिया से ये भेद है ना, तो अकारकदान जो अकारक है छेदन भी नहीं करना है भोजन भी नहीं पकाता उस कारण उसको ना लाभ का बोला जाता है ना पाचक बोला जाता है, क्रिया के कारण भेद आता है, स्वतः भेद नहीं है,
औपाधिक भेद वास्तव में आत्मा कोई भेद नहीं कहा जाते। गच्छता पठतो भोक्तृ नाना कर्मकृतो रवि यथा प्रकाशेत्येक रूप एव तथा धिया। गच्छता पठतो भोक्तृ नाना कर्मकृतो, देखो सूर्य जो है ना सबको प्रकाश करता है, चलने वाले को प्रकाश करता है, गच्छता जो गमन कर रहा है, और पठता जो पढ़ रहा है उसको भी प्रकाश देता है करता है, और एक ही है रवि, और भोक्तृ खाने वालों को भी, भोजन कर रहा कोई अथवा कर्म कृतो, कर्म करने वाले जितने भी हैं मजदूर आदि उनको सबको सबको एक रवि एक ही सूर्य यथा प्रकाश है थी एक रूप हो करके प्रकाश भिन्न भिन्न रूप से प्रकाश नहीं करेगा, मान चलने वाले को अलग प्रकाश भिन्न प्रकाश और पढ़ने वाले को अलग प्रकाश है, एक ही रूप होकर के प्रकाश कर रहा है। इसी प्रकार लोक में जितने भी लोग अज्ञान काल में क्रिया करते हैं आत्मा एक ही आत्मा के प्रकाश से कर्म करते हैं, उस आत्मा में भेद होना संभव नहीं था। यथा प्रकाश यदि एक रूपा ये एवं तथा धीरा ही बुद्धि वृत्ति को प्रकाश आत्मा करता है, बुद्धि नाना प्रकार की वृत्ति बनाती है किंतु उसके प्रकाश करने वाला आत्मा एक होता है, आत्मा में भेद नहीं है यही कहना है, और एकत्व तो नहीं है। दृष्ट्यादि भिन्न चेष्टास्ता भिन्न देशादि लक्षण एकम रूपम परम ज्योति एकम सद्विक्षते धीय। दृष्टि भिन्न च है, देखने का चेष्टा व्यापार भिन्न होता है, सुनने का व्यापार भिन्न होता है, प्रत्येक इंद्रियों का व्यापार भिन्न भिन्न व्यापार है, दर्शन व्यापार चक्षु का है, श्रवण व्यापार श्रोत्र का है, घ्राण व्यापार नासिका का है, घ्राण इंद्रिय का है, और रस लेने का व्यापार आस्वादन का व्यापार रस रसना में है, और स्पर्श का व्यापार त्वक में है। तो दृष्टियादि भिन्न चेष्टा था, दृष्टियादि के भिन्न भिन्न व्यापार है, देखना सुनना आदि व्यापार इंद्रियों का भिन्न भिन्न व्यापार है, भिन्न देशादि लक्षण और इंद्रियां भिन्न भिन्न स्थान पर भी एक स्थान में नहीं है, उनका गोलक भिन्न भिन्न है, इंद्रियों का व्यापार भिन्न भिन्न है, इंद्रियों का व्यापार भी भिन्न भिन्न है और रहने का स्थान भी भिन्न भिन्न है। तो एकम परम किंतु एकम रूपम परम ज्योति एकम सत्य दी है, वो परमात्मा जो है एक स्वरूप होता हुआ ज्योति परम ज्योति आत्मा एकम सत एक होता हुआ धिया भिक्षते उस बुद्धि को प्रकाश करते हैं, तो सबको प्रकाश करते हैं, इंद्रियों को प्रकाश करते हैं, सभी को एक साथ प्रकाश देता है, वो भिन्न भिन्न स्थानों में है और भिन्न भिन्न चेष्टा है उनकी किंतु आत्मा के प्रकाश सबको एक साथ है, इसलिए आत्मा एक ही है अनेक नहीं एक ज्योतिरित्युक्रम्य यत्ने न महतादरात अर्थो वयमेव निर्णयता तद्विरुद्धम किम उच्यते। ये भारतीकार बोलते हैं किम ज्योति अयम पुरुषा या केवल क्या, यहाँ से आरंभ किया था जनक जी ने, इस ब्राह्मण ने कहा था माने चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के द्वितीय कंडिका पुरुषा किम ज्योति अयम पुरुषा, ये पुरुष कार्यक्रम सरकार क्या ज्योति वाला है, किस ज्योति से काम करता है, वो ज्योति कौन है, ये पूछा था। तो ये आरंभ करके यत्ने न महतादरात बहुत प्रयत्न लगा के महान आदर के साथ और तो यमे पर निर्णय, एक ही आत्मा है, सबका प्रकाशक आत्मा एक है अनेक नहीं है, ये निर्णय किया गया आता है विषय है। तद विरुद्धम किम उच्यते, कुछ किम ज्योति से लेकर के अभी तक का जितने भी निर्णय हुआ आत्मा एक है, ये निर्णय हुआ है, यही निर्णय हुआ है, एक ही आत्मा है अनेक नहीं, तो उस निर्णय हो चुका है, तो तद विरुद्धम किम उच्यते, फिर अनेक आत्मा कह करके क्यों बोलने जा रहा, आत्मा एक है अनेक भी है कैसे, क्यों बोलते हो भक्ति प्रबंध के लिए बोल रहे किम उच्यते, तो यार तुम्हारे द्वारा क्यों कहा जाता है ऐसा आत्मा अनेक है। मोहत्थपादि संबंधात अभिन्दोपि सतो दृशि दृष्टा श्रोते नाना तुम यादि अलगम, उपाधि से आत्मा नाना जैसा लगता है, वास्तव में नाना नहीं है, नाना जैसा लगता है। मोहोत्थपादि, मोह माने अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न जो उपाधि है शरीर आदि है उपाधि, मोहत्थपादि मोह माने अज्ञान, उससे जो उत्पन्न है शरीर आदि उपाधि अंतकरण आदि उपाधि के कारण, इनके साथ संबंध होने से अज्ञान के कारण, अज्ञान के से उत्पन्न है शरीर आदि, इसके साथ तादात्म्य अज्ञान के कारण तादात्म्य होने से अभिन्नोपि स्वतो दृश्यते, स्वभावतः अभिन्न है आत्मा एक है,
भिन्न नहीं है, ऐसे होते हुए भी ये उपाधि के संबंध से भिन्न भिन्न जैसा हो जाता है। उपाधि के संबंध से प्रत्येक शरीर में अलग अलग जैसा होता है उपाधि के कारण। मोहोत्पादि संबंधात अज्ञान से उत्पन्न, मोह माने अज्ञान, उससे उत्पन्न जो उपाधि है, उपाधि शरीर आदि इंद्रिय शरीर आदि संबंध से अभिन्न स्वतः अभिन्न भी दृष्टि, दृष्टा जो आत्मा है ना स्वतः अभिन्न होने पर भी स्वाभाविक रूप से अभिन्न है, वो एक ही है होने पर भी दृष्टा श्रोता इति नानात्वम याति, उपाधि के कारण से दृष्टा श्रोता ऐसे ऐसे नाना प्रकार से प्रयोग किया जाता है, शब्द का प्रयोग होता है। आत्मा को दृष्टा बोलते हैं, सुने तो श्रोता बोलते हैं, देखे तो दृष्टा, बोले तो वक्ता, सुने तो भ्राता, और स्पर्श करे तो स्पर्शा इत्यादि। माने अज्ञान से उत्पन्न जो उपाधि है, शरीर आदि उपाधि है, इंद्रियादि उपाधि है, उनके कारण से आत्मा में अनेक शब्दों का प्रयोग है, दृष्टा श्रोता आदि बोला। वास्तव में आत्मा दृष्टा भी नहीं श्रोता भी नहीं, ऐसा है। यदवत अलग कैसे कहते, जैसे अलग का रंजन द्रव्य होता है, रंगने का साधन होता है, अलग तो बोलते हैं। स्वच्छ द्रव्य उसके साथ पड़ेगा तो स्वच्छ द्रव्य भी लाल हो जाता है, लाल दिखाई पड़ता है, ये कहते हैं यदावत अलग तो बोला। रक्तादि भेद को भेद प्रकाश से प्रकाशत यथाइव मनोभेदो ज्योतिष भाष्य भेद। देखो सूर्य के किरण जो धरती में पड़ते हैं, सूर्य के किरण तो नीचे कैसा वस्तु है, धरती में कैसे वस्तु है, यदि सफेद वस्तु है सूर्य का किरण सफेद ही देखेगा, और यदि रक्त पुष्प आदि हो तो सूर्य के किरण में नाली में दिखेगा। वास्तव में सूर्य के किरण में नाली में नहीं है, स्वच्छ पदार्थ है, उपाधि के कारण से ऐसे दिखा। काला पल वस्तु होगा तो नीला ही काला ही दिखेगा सूर्य के किरण, जो वस्तु जैसा है उसी रूप में दिखाई पड़ता है उपाधि के कारण से, क्यों उपाधियां जो है अज्ञान से उत्पन्न उपाधि है, जैसे उपाधि सामने हो मिले उसी के आधार में भासता है, किंतु वास्तव में होता नहीं हो। सूर्य के किरण में लाली में दिखना माने औपाधिक है, वो पुष्प के रक्त पुष्प के साथ संबंध हो गया इसलिए लाल दिखा, वास्तव में लाल नहीं हो, शुक्ल होता है। एक इस जिस प्रकार कहा रक्तादि भेद तो भेद, रक्तादि भेद से भेद प्रकाश से प्रकाश्यत, प्रकाश्य जो रक्तादि भेद है, प्रकाश्य वस्तु रक्तादि होने पर प्रकाश में भी भेद आ जाता है, सूर्य के भेद जैसा लगता है ठीक इसी प्रकार। यथा एवं वैसे ही आत्मा को भेद, आत्मा का जो भेद है ना ज्योतिषवार, आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप है होने पर भी भाष्य भेद होता है, वो प्रकाश्य वस्तु जैसा आएगा इसके कारण से भिन्न जैसा लगता है, वास्तव में आत्मा भेद नहीं है। और भर्त प्रपंच कहते हैं एकत्व तो, नाना तो दोनों वास्तव में है, यही यहाँ विरोध है। टीका से देखा दृष्टियादि नाम भिन्ना भिन्नत्व भिन्नत्व वा दृष्टा दृष्टि श्रुति आदि जो कहा गया था यहाँ वो आत्मा से भिन्न भी है अभिन्न भी है दोनों ऐसे हैं, और दृष्टियादि तो भिन्न है परस्पर दृष्टियादि में भेद है, और आत्मा के साथ में भिन्न भी है अभिन्न भी है, अवयव अवयवी जैसे है भिन्न अभिन्न, और स्वयं परस्पर में दृष्टि श्रुति आदि में भेद है भिन्न, ये जो कहा था भिन्न वा यद्वै तद इत्यादि न तात्पर्य सिद्धांत में यद्वै तत् न पश्यति इत्यादि जो कहा गया है, पश्चिम में तन्न पश्यति यद्वै तन्न पश्यति इत्यादि जो कहा गया इसमें तात्पर्य उसका नहीं है, तात्पर्य इति पूर्वता अवश्य कहते हुए सिद्धांत के द्वारा स्वपक्ष दृष्टान्त पर पक्ष तदभाव से होता है। यहाँ क्या अपने पक्ष में दृष्टांत बता दे सिद्धांत में, एक का अनेक होने में दृष्टांत है, उपाधि के कारण एक वस्तु अनेक भासता है, जैसे सूर्य का किरण एक जैसे वस्तु में पड़ा उस रूप से भासता है, एक का अनेक होने के लिए हमारे पक्ष एक अनेक हो सकता है उपाधि के कारण, किंतु अनेक एक नहीं हो सकता, ये भरत प्रबंध का मतलब खंडन यही है। स्वपक्ष दृष्टांत पर पक्ष तलवार सूखता, अपने पक्ष में दृष्टांत बता दिया और पर पक्ष सिद्धांत भक्ति प्रपंच पक्ष में उसका अभाव दृष्टांत का अभाव अब तक कहा है। इदानम तेषां भिन्नत्वाभावे यत्वंत्र तेषां माने दृष्टियादि नाम जो दृष्टियादि पदार्थ हैं उनका भेद नहीं है, आत्मा से भेद नहीं, इसमें अन्य हेतु भी देते हैं कहा दृष्टियादि इति एक कहा था दृष्टियादि वचसाम लोके प्रवृत्ति ज्ञान है वचन, दृष्टियादि शब्द का जो दृष्टि श्रुति बोला जाता हो लोक में उसका अर्थ ज्ञान ही होता है,
दर्शनार्थ व्यक्ति मात्र दर्शन दृष्टि क्या है ज्ञान बात रही है ऐसा अर्थ तेषा प्रसिद्धि लोक में प्रसिद्धि है देखना सुनना माने ज्ञान ही होता है जानना ही होता है ठीक है। हम कहते हैं उक्तम ये तो संक्षिप्त है इसे कहा प्रसिद्धिता बोल दिया प्रसिद्धि लोक में प्रसिद्धि है दृष्टि स्तुति आदि का अर्थ ज्ञान दृष्टि आदि शब्दाना ज्ञान मात्र वाचित्व प्रसिद्धम इति एतत् प्रकटते दृष्टि आदि जो शब्द आया यहाँ नई द्रष्टुर दृष्टि विप्रलोको विद्यते अविनाशित्व और नई ग्रातुर घात्र विप्रलोको विद्यते अविनाशित्व इत्यादि वाक्य दृष्टि ग्राति आदि आया इसका ये ज्ञान मात्र वाचित्व प्रसिद्धम इसे प्रकट विस्तार करते हैं क्या बोलते हैं पंच इत्यादि का देखो पांच प्रकार के ज्ञान होते हैं माने पांच इंद्रियों के माध्यम से पांच विषयों का ज्ञान होता है सारा संसार पांच विषयों में समाहित है और पांच इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है यही है तो ये देखना सुनना आदि माने जो होता है ज्ञान ही है ये कहना चाहते हैं ये कहा पंच स्रोत्र आदि भी संसार के वस्तु के ग्रहण करने का पांच इंद्रिया है ये ज्ञान इंद्रिया जिनको बोलते हैं इनके द्वारा ग्रहण होता है और विषय भी पांच ही है कोई भी वस्तु हम आर्जन करते हैं या तो देखने के लिए या सुनने के लिए या छूने के लिए पर्श के लिए या आस्वादन के लिए या सूंघने के लिए वस्तु का अंत यही अंतिम यही होता है कोई भी वस्तु देते हैं या तो सुनना होगा उसके लिए वस्तु होता है और या देखने के लिए कुछ पुष्पादियाँ देखने के लिए होता है दर्शन और कुछ सूंघने के इतर आदि जो होते हैं सूंघने के लिए होते हैं यही है और कुछ पर्श करने के लिए होते हैं मृदु आदि यही होता है और कुछ स्वाद के लिए होते हैं रस स्वाद ये जीवा के विषय बनते हैं जो दर्शन इंद्र के विषय बनते हैं ये पांच ही विषय हैं और पांच इंद्रियों द्वारा गृहित होते हैं जो पांच इंद्रियों द्वारा जो गृहित विषय है उसका अर्थ ज्ञान ये कहना चाहते हैं ये बोल रहे हैं पंच स्रोत्रादि भी साक्षात ज्ञान ज्ञानादि समीक्षा दे जब स्रोत्रादि के द्वारा स्रोत्र से हो चक्षु से हो ग्रहण से हो और रसना से हो या तोक से हो जानामी जब बोलेगा जानामी का तो ज्ञान होता है मुझे ज्ञान होता है कहना स्रोत्र से ज्ञान प्राप्त करता हूँ यही होता है इत्यादि कहा समीक्षा दे शब्दादिन शब्दादिकों को जानता हूँ बोलता है जानना माने ज्ञान यही है लोग तो दृष्टि आदि ज्ञान वाच्यता है दृष्टि आदि शब्दों का अर्थ वाच्य अर्थ ज्ञान ही है दृष्टि आदि तत्पद से नहीं दृष्टि आदि में दृष्टि आदि जो पद है उसका अर्थ ज्ञान होता है दृष्टि स्तुति मत का अर्थ ज्ञान होता है ज्ञान में वाच्य में से ज्ञान वाच्यता में बहुबरी समाज करना चाहते हैं ज्ञान का वाच्य वो नहीं दृष्टि आदि का वाच्य ज्ञान ज्ञान में वाच्य में से दृष्टि आदि जिस दृष्टि आदि का ज्ञान ही वाच्य होता है मतलब अर्थ होता है तस्वभाव दत्ता ज्ञान वाच्यता दृष्टि आदि नाम ज्ञान मात्रत्व काठक श्रुति प्रमाण है दृष्टि श्रुति मत या जो बोला जाता है जानता हो सबका अर्थ ज्ञान ही होता है इसमें कठोपनिषद प्रमाण करवाते हैं काठकोपनिषद को प्रमाण कराते हैं कहा ये न पूर्वों का संबंध प्रसाद ज्ञानादि मैथुनाथ कहा था ये न रूपों का संगंतम शब्दा स्पर्शास मैथुना एते न विज्ञान आदि की मतलब परिशेष आत्मा को जानने में क्या शेष रह गए जिसके द्वारा ये लोग प्रमाता आदि ये सबको जानता है जिसके होने पर जिस साक्षी के द्वारा सब जानता है वो साक्षी के बारे में क्या शेष बच गए उसे जानने के लिए कहा हुआ है ठीक है। हमें कहते हैं एन साक्षी चैतन्य न एन सदय का वह मंत्र है इसको कहा एन एतेन साक्षी चैतन्य न साक्षी चैतन्य जो है इसके द्वारा लोग रूपादि जानाती रूपादि भी सब लोग जानते हैं जानता है जिस साक्षी चैतन्य को द्वारा जानता है तस्मिन ज्ञान ज्ञान दे उसके जानने पर न अवशिष्य दे उस साक्षी को जानने पर कुछ जानना शेष नहीं रहता कि मात्रा परिशेष थे उसको जानने पर आगे जानने की आवश्यकता कुछ नहीं है तज ज्ञान वो ज्ञान वस्तु है नहीं बदल वाक्य वैसा इति बदल वाक्य वैसे बोलता हुआ कठोर वाक्य दृष्टि आदि नाम ज्ञान मात्र तुम श्रावित दृष्टि आदि शब्दों का अर्थ यहाँ जो है ज्ञान मात्र ही सुनाता है ज्ञानी है कहते हैं जानाते सर्वत्र प्रयोगात क्योंकि
चक्षुषा रूपम पश्यामी जानामी, ऐसा प्रयोग करता है। ज्ञान धातु का सर्वत्र प्रयोग होता है वहां, आंख के द्वारा मैं रूप को जानता हूँ, ठीक है, जानामी ऐसा होता है। श्रोत्रेण शब्दम जानामी, कोई ज्ञान धातु का प्रयोग होता है, ज्ञान धातु का जानामी बनता है। और त्वचा परसम जानामी, मृदुआदि पर्स को जानता हूँ बोलता है। रसनेन अन्न रसम जानामी, अन्न के स्वाद को जानता हूँ। घ्राणेन गंधम जानामी, सर्वत्र लोग ही प्रसिद्ध होता है कहा। जानाते सर्वत्र प्रयोगा नित्यतः, ज्ञान धातु का सर्वत्र प्रयोग हो रखा है। चक्षुराधिकरणाधीनो दर्शनादि क्रिया भेदो भी लोक सिद्धत्वात् न निरासम और अतिदासम। पूर्वादि बोलता है महाराज, चक्षुराधिकरण के अधीन होता है ज्ञान, चक्षुराधिकरण के अधीन है तो उसका कैसे ज्ञान, चक्षुराधिकरण भिन्न है, उनके माध्यम से ज्ञान होता है। एक शंका है भक्ति प्रकृति की ओर से, चक्षुराधिकरणाधीनो दर्शनादि क्रिया भेदो भी, क्योंकि चक्षु से जो ज्ञान होगा वो ज्ञान भिन्न होता है, स्रोत्र से जो ज्ञान होगा वो ज्ञान भिन्न, क्यों, तत्त्व वहाँ विशेषण है। चक्षु के द्वारा ज्ञान, स्रोत्र के द्वारा ज्ञान, तो इंद्रिय के द्वारा ज्ञान के होने से चक्षुरादि जो कर्ण है एक ही प्रकार के इंद्रिय तो है, पांच प्रकार के इंद्रिय हैं, उनसे होने वाले ज्ञान भिन्न भिन्न होगा, ये रुग्वेद की शंका है। चक्षुरादि कर्णाधीनो दर्शनादि क्रिया भेद भी, जो दर्शनादि क्रिया का भेद भेदों का ज्ञान में भी, क्यों हुआ, उसके साधन चक्षुरादि भिन्न भिन्न है। लोक सिद्ध होता है, लोक सिद्ध है, इसलिए न निराश मानने से खंडन करने योग्य नहीं, ऐसा भरत प्रति शंका करी, उसका उत्तर देते हैं। दृष्टियादि वाच्य अर्थस्य साभाष बुद्धिनिष्ठस्य भेदे भी, दृष्टि आदि शब्दों का अर्थ होता है, वाच्य अर्थ होता है चिराभास विशिष्ट बुद्धि, दृष्टि स्तुति मति का अर्थ चिराभास विशिष्ट बुद्धि वाच्यार्थ होता है, दृष्टि आदि शब्दों का वाच्यार्थ चिराभास विशिष्ट बुद्धि निष्ठ है भेदे भी, भेद होने पर भी। लक्ष्यार्थ से आत्मात्र दया, उसका लक्ष्य जो होगा दृष्टि स्तुति का आत्मात्र ही होता है, वाच्यार्थ में भेद होने पर भी लक्ष्यार्थ में आत्ममात्र होने से न भेदो अस्ति, भेद ने कहा, अरे बाबा क्रिया के कारण भेद है, वाच्यार्थ में भेद है कहा, लाभ का पाप को इत्यादि कहा था, लाभ का पाप को भेदे कारक से सतो कारक होने पर संभेदोयम भेद होता है, क्रिया के कारण भेद होता है, ना तो कारक वस्तु ना अकारक जो वस्तु होगा वह भेद नहीं है, मैंने वाच्यार्थ में भेद है इनमें, लक्ष्यार्थ में नहीं, लक्ष्य एक ही है, ज्ञान ही है वो आत्मरूप ज्ञान है कहा, ठीक है। दृष्टियादि इक्षितत्वात् आत्मनो अकारकत्व से, आत्मा अकारक नहीं है, कारक है, पूर्वादि बोलता है दृष्टियादि को देखता है, आँख काम कर रही न करे देखता है, श्रोत्र इंद्रिय काम करती नहीं करती देखता है, सबको जानता है, उनका दर्शन कर रहा है, क्रिया विशिष्ट है वो, दर्शन क्रिया आत्मा में है, एक आत्मा दृष्टियादि इक्षितत्वात्, दृष्टियादि को ईक्षण करने से मैंने देखने से आत्मा देख रहा है, दर्शन क्रिया आत्मा में है, किसको देखता है, दृष्टि आदि को देखता है, आँख ठीक है कि नहीं देखता है, कान ठीक है कि नहीं देखता है, तो इक्षितत्वात् आत्मा अकारक, तो मैं आत्मा अकारक कैसे बोले, कारक है आत्मा, क्रिया विशिष्ट है, दर्शनादि क्रिया विशिष्ट है, ये शंका प्रबंध ने कहा, तब उत्तर देते हैं गच्छतः पठतो भोक्तृ नाना कर्म कृतो रवि यथा प्रकाशित रूप एव तथा दिया कहते हैं, जैसे चलने वाला व्यक्ति को और पढ़ने वाले को, भोजन आदि करने वाले का, नाना प्रकार के कर्म करने वाले, एक ही सूर्य प्रकाश करता है, वो क्रिया सूर्य में नहीं है, ये जो गमन क्रिया अथवा पठन क्रिया या भोजन क्रिया अथवा अन्य प्रकार की क्रिया सूर्य में नहीं है, ये तो उन व्यक्तियों में है क्रिया, चलने वाले आदमी है सूर्य में जिस प्रकार है उसी प्रकार यहाँ भी बुद्धि, जैसे प्रकार की बुद्धि बन जाती हो व्यापार करती हो, वो क्रिया बुद्धि में है आत्मा में नहीं है, एक एवं तथा धीय को दिया, जैसे सूर्य एक ही रूप होकर के प्रकाश करता है, इस प्रकार बुद्धि को प्रकाश आत्मा, जितने प्रकार की बुद्धिमान बने क्रिया विशेष बुद्धि होगी आत्मा नहीं, ये कहा अकार के आत्मा तो कहा, ठीक है, हम कहते हैं धियो विक्षते शब्द, आगे विक्षते शब्द है उसके साथ बुद्धि को देखता है कहते हैं, दार्ष्टातिकम प्रबंध सिद्धांत कहते हैं दृष्टि आदि इत्यादि शब्द कहा,
ये तो दृष्टांत दे दिया था, सूर्य की दृष्टांत दिया था। दाष्टांत बोलते हैं दृष्टियादि भिन्न चेष्टा का, जो चक्षु की चेष्टा भिन्न है, श्रोत्र की चेष्टा विद्यापार भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न स्थान में है, एक ही जगह में नहीं चंद्रादि होने पर भी उसका प्रकाश का आत्मा एक ही है, एक आना चाहते हैं। दृष्टियादि भेद भिन्न चेष्टा स्था भिन्न देशादि रक्षा हो, दृष्टियादि भिन्न भिन्न चेष्टा वाले भिन्न व्यापार वाले हैं, उनके भिन्न भिन्न देश स्वरूप है, वो एक ही देश में नहीं है, सारे के सारे पांच इंद्रियां। एकम पर रूपम परम ज्योति एकम सद विकसित दिए कहा, परमात्मा एक होता हुआ ज्योति, एक होता हुआ ही विकसित दिया बुद्धि को देखता है, ऐसा कहा भिन्न भिन्न नहीं ये बता दिया। ठीक है, कहते हैं देश शब्द है ना चक्षुरादि होती है, देश भिन्न देश कहा था, देश माने चक्षुरादि गोलक को लेना देश, और आदि शब्दस्तु काल विषय भिन्न देश आदि करके आदि दिया, आदि से क्या था काल, भिन्न भिन्न काल में होते हैं इत्यादि। लक्षण शब्दों निमित्त हो रहा भिन्न देशास लक्षण, लक्षण निमित्त भिन्न भिन्न निमित्त है होने पर देखने आदि पर भिन्न भिन्न निमित्त होने पर लक्षण पर निमित्त पर लक्षण शब्द निमित्त पर है किन, और आगे कहते हैं किंच कूटस्थम एक रसम ज्योति आत्मा इति प्रतिपाद्य, अभी तक ये सिद्ध किया आत्मा निर्विशेष है, ये परम ज्योति ज्योति रूप है आत्मा, प्रकाश रूप है, ये प्रतिपादन कर तस्य दृष्टियादि क्रियावत तो उक्त हो, फिर उस आत्मा में दृष्टियादि क्रिया मान कहना भरती प्रवृत्ति ऐसा बोलना चाहते हैं उक्त हो पूर्वापर विरोध्य पूर्वादि की संज्ञा आ गई, पहले कूटस्थ एक रस आत्मा कहा, फिर दृष्टियादि का विषय बनाया, दृष्टियादि क्रिया से युक्त है आत्मा बोला, वीक्षते दिया वीक्षते दृष्टियादि क्रिया आत्मा में करने पर पूर्व में कहा था एक रस है निर्विशेष है कहा, अब क्रिया विशिष्ट बुद्धि को देखता है बोला, सविशेष हो गया, पूर्वापर का विरोध है, ये पूर्वादि की शंका है, तो उसका उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं क्यों ज्योति क्यों ज्योति ऋतु प्रक्रम्य यत्न महताधरा और तो यद निर्णयता तद विरुद्ध की उच्चते सिद्धांति बोलते हैं, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, कहेंगे इसको परपक्ष निराश द्वारा स्वप्रश साधन यत्न महान यत्न के द्वारा क्या किम ज्योति से आरंभ करके महान यत्न लगा करके, महान यत्न क्या है यत्न यही है परपक्ष का खंडन के द्वारा भक्ति प्रबंधों का मत के खंडन के द्वारा अपने पक्ष का सिद्ध करना यत्न यही किया, यत्न ना बाधा लगा तस्य महत्व उस यत्न में महानता क्या है, महता बोला हुआ है महानता क्या है साधन तो स्वयं विस्तृत अपने पक्ष में सिद्ध साधन है और पर पक्ष में दूषण है, ये दिखा विस्तार से कहा कि मुझे दिखने गया था व्याख्या की आधार मैंने दृष्टांत दृष्टांत देकर कहा पर पक्ष में दूषण है अपने पक्ष में साधन है, ये सिद्धांत किया था। आत्मा कूटस्थ दृष्टि चेत कथम तस्य दृष्टा श्रोता इत्यादि नानात्व दृष्टि इतिहास है, आत्मा यदि कूटस्थ दृष्टि वाला है तो फिर दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता ऐसे कैसे कहा जाता है, निर्विकार दृष्टि है निष्क्रिय है फिर दृष्टा श्रोता मंता इत्यादि बुद्धा क्यों कहा जाता आत्मा को, ये प्रश्न उठा। आत्मा कूटस्थ दृष्टि चेत कथम तस्य तस्य आत्मा उस आत्मा का दृष्टा श्रोता इत्यादि नानात्व दृष्टि, फिर नानात्व दृष्टि कैसे बने आत्मा में, कभी दृष्टा बोलती सुनती कभी श्रोता बोलती कभी मंता विज्ञाता इत्यादि बोलती है, यदि कुटस्था है तो क्यों ऐसा, तो शंका आगे तो उत्तर देते हैं मोहत्थ कहा, अरे बाबा अज्ञान से उत्पन्न है ना कहा शरीरादि, ठीक है मोहत्थपादि संबंधा अज्ञान से उत्पन्न जो उपाधियाँ हैं उसके संबंध से कल्पित संबंध के द्वारा अभिन्नों के स्वतोदृशी आत्मा भिन्न नहीं दृष्टा श्रोता मंता भिन्न भिन्न नहीं होता अभिन्न है एक ही है आत्मा होने पर भी दृष्टा श्रोते नानात्म यदवत अलग तत्व रहा, जैसे दृष्टा श्रोता आदि हो जाता है जिस प्रकार स्वच्छ द्रव्य रंजन द्रव्य को पास होने पर स्वच्छ द्रव्य भी वो रंजन द्रव्य के समान भासता है, जैसे स्फटिक है रक्त पुष्प के पास में पड़ने पर लाल दिखता है रक्त रक्त वर्ण का दिखता है फटी, इसी प्रकार वास्तव में आत्मा में श्रोता दृष्टा नहीं, श्रोता दृष्टा आदि बुद्धि आदि का काम है, उनके साथ अज्ञान से उत्पन्न भाई बुद्धि आदि उनके साथ संबंध होने से श्रोता दृष्टा आदि बोला जाता है, वास्तव में नहीं है।
टीका में कहते हैं यथा स्वच्छ स्वभाव स्फटिका मणि, जैसे फटिक मणि एक स्वच्छ स्वभाव वाला है, शुक्ल वर्ण का है, स्वच्छ स्वभाव है, स्वच्छ है मणि। अलक्तम अलक्तम पाद्यंतरम बाह, अलक्त रक्त वर्ण का होता है, अलक्त रंजन द्रव्य है, रंगने का साधन होता है, उसके सामने होने पर, फटिक भी संबंध नहीं है, दूर में है, नजदीक होने पर उसके रंग इसमें दिखाई पड़ता है, उसका वर्ण इसमें भासता है, क्यों फटिक स्वच्छ है। एक अलग तकम अथवा उपाधि अंतरम बाह, जपा पुष्पादि हो, पुष्पादि हो, रक्त पुष्पादि हो, उनके सन्निहित अपेक्षा करके लोहितादि अनेक रूपदान है, रक्तादि रूप को प्राप्त करते हैं, अनेक रूप को प्राप्त, जैसा उपाधि सामने है उसी प्रकार से भासता है स्फटिक में, ठीक इसी प्रकार तथा इसी प्रकार का यदवत अलग तकम इत्यादि का, उसी प्रकार आत्मा भी इस प्रकार है तथा यदवत इत्यादि बोलते हैं। स्फटिकादे प्रकाश से उपाधि तो अन्यथा प्रथने भी, फटिकादि जो है ना प्रकाश, प्रकाश से उपाधि तो फटिकादि जो है अप्रकाश है, अप्रकाश जड़ वस्तु है, अप्रकाश वस्तु है, स्वयं प्रकाश नहीं है फटिकादि, अप्रकाश जो वस्तु है फटिकादि का उपाधि तो अन्यथा प्रथने भी, उपाधि से भिन्न प्रकार दिखने पर भी फटिक प्रकाश वस्तु, प्रकाशमय वस्तु है, अप्रकाश वस्तु है, वह उपाधि के कारण से अन्य प्रकार भोजन भाषने पर भी कथम प्रकाशात्मनो अन्याधीनतया अन्यथा प्रथा, फिर आत्मा तो प्रकाश रूप है ना, उसको फिर उपाधि के कारण से अन्य के अधीन होकर के अन्यथा कैसे माना जाए आत्मा को। फटी का जब आपने दृष्टांत दिया, दृष्टांत अप्रकाश स्वरूप है, आत्मा प्रकाश स्वरूप है, तो वह अप्रकाश स्वरूप होने पर अन्य के अधीन होकर के तद्रूप माना जाए यदि, किंतु आत्मा तो प्रकाश रूप है, अन्य के सान्निध्य से कैसे आत्मा यहाँ द्रष्टा श्रोता आदि बन सकता है, ये शंका आ गई। इसके उत्तर में कहा रक्तादि इत्यादि कहा, रक्तादि भेद तो भेद प्रकाश से प्रकाशतः यथा आत्मनो भेद हो ज्योतिष्वा भाष्य भेद, देखो प्रकाश से आदित्य से, जैसे आदित्य है ना प्रकाश स्वरूप है, आदित्य माने किरण, सूर्य के किरण जो होते हैं वो आदित्य ही है, प्रकाश बन जाए वो, तो प्रकाश से प्रकाश्य जो प्रकाश्य वस्तु जैसा होगा वो किरण जिसमें पड़ना है, जो प्रकाश्य वस्तु होगा उसके आधार पर किरण उसी प्रकार भासता है, प्रकाश रूप में भी मैं उपाधि के कारण से आ जाता है, आत्मा में भी आता है, कैसे जैसे सूर्य में प्रकाश्य वस्तु के अधीन होकर के सूर्य के वर्ण बदल जाता है, बदलना जैसा होता है, ठीक है। रक्तादि भी होता है, जैसे रक्तादि पदार्थ सामने हो, यहाँ रक्त पदार्थ हो, लाल जबा कुष्म आदि हो, तो इसका जो भेद प्रकाश से प्रकाश्यतः, प्रकाश के भेद से प्रकाश में दिखाई पड़ता है विशेष, यथा एवं इस प्रकार ही आत्मनो भेदो, आत्मा में भेद क्या है, ज्योतिष्व, आत्मा प्रकाश रूप है, ज्योतिष्व है, ज्योति स्वरूप है, प्रकाश आदित्य जैसे ज्योति स्वरूप उसी प्रकार होने पर भाष्य भेद जो उसके द्वारा आत्मा के द्वारा जो भाष्य वस्तु होंगे उसके विशेषता के कारण भिन्न भिन्न कारण आत्मा उसी प्रकार दिखता है, वास्तव में आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं, स्वच्छ है, प्रकाश रूप है कहा, ठीक है। यथा प्रदीपादि प्रकाश से प्रकाश रक्तादि भेदवशात तद भेद भाती कहा, जैसे प्रदीपादि प्रकाश रूप पदार्थ है, प्रदीप आदि प्रकाश है, प्रकाश से रक्तादि भेद, प्रकाश यदि रक्त हो है, रक्त वर्ण का वस्तु सामने हो, प्रति के सामने उज्ज्वाला लालू दिखाई देगी, वास्तु है भेद प्रसाद तद भेदो भाति, कोई उसके प्रकार मैंने उस वर्ण ही वहाँ भाषता है, दीपक भाषता है, ठीक इस प्रकार आत्मा ज्योतिष्व विशेषा, आत्मा स्वयं ज्योतिषरूप प्रकाश रूप है, भाष्य द्रष्टव्यादि भेदा भेद प्रसाद, भाष्य वस्तु जो द्रष्टव्य पदार्थ आत्मा के द्वारा जो द्रष्टव्य पदार्थ जैसे होंगे उसके वश्य द्रष्टा इत्यादि नाना, द्रष्टा श्रोता आदि नाना तो हो जाता है, जैसा होता है सिद्धम इत्यर्थ सिद्ध हो जाता है कहा, आगे टीका के साथ भाष्य है, यत्तु सिद्धांते दृष्टांतो नास्ति इति तत्रह, पूर्वादि भरत प्रबंध ने कहा था एक को अनेक होने में दृष्टांत नहीं है, एक व्यक्ति को अनेक होने में दृष्टांत नहीं है, ये पूर्वादि आत्मा को एक ही आत्मा मानते हैं,
उसको अनेक बनाने में दृष्टांत नहीं होता है जो कहा था, उसके उत्तर में सिद्धांत बोलते कहा। यद्यपि सिद्धांत दृष्टांत नास्ति जो कहा था, सिद्धांत में दृष्टांत नहीं है ये जो पूर्वाद ने कहा था। कहाँ कहा था? ये कहा था 36 पृष्ठ की टीका में कहा था, पूर्व पृष्ठ में टीका में बोला था पूर्वाद। यद्यपि गगनादिशु भिन्ना भिन्नत्व अनुमित है तथापि प्रथम आत्मनि तद अनुमित आशंक। भिन्नतम भिन्ना भिन्नम वस्तुत्वाद गवादिवत ये पूर्वाद ने कहा था। आत्मा भिन्ना भिन्न है, भिन्न भी अभिन्न वस्तुत्वाद वस्तु गवादिवत, इसमें दृष्टांत दिया था, गवादि को दृष्टांत दिया था। और आप वो सावय है और निर्वय पदार्थ आपका आत्मा होता है, तो उसमें आप दृष्टांत दे दे पाएंगे ऐसे पूर्वाद ने कहा था। ये तो सिद्धांत दृष्टांत नास्ति इति तत्र कहाँ कहा तो कहा 11-36 पृष्ठ टीका ने कहा, दोनों में टिप्पणी बता दिया। कहा दृष्टांत उपत्यय कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं एक को अनेक होने में दृष्टांत सिद्ध है, दृष्टांत है उपाधि के कारण अनेक होता है, अनेक होता तो नहीं जैसा लगता है दृष्टांत उपत्यय। यथा ही लोग स्वच्छ स्वभाव में युक्त स्फटिका, जैसे लोग ने देखा है, क्या देखा? स्वच्छ स्वभाव वाला एक स्फटिक मणि है, ठीक है, स्वच्छ स्वभाव शुक्ल पक्ष का है, स्वच्छ स्वभाव फटिका तन निमित्त में केवलम फटिक निमित्त ही है, उसमें स्वच्छ स्वभाव निमित्त वाला केवल है वो, अन्य कोई स्वभाव नहीं उसका, स्वच्छ स्वभाव ही है वो। हरित नील लोहितादि उपाधिगत संयोग आदि, स्फटिक के सामने जब हरा वस्तु आ जाए तो हरा दिखता है, लाल वस्तु सामने हो तो लाल दिखेगा भाजता है, और इत्यादि पर जैसे पीत वस्तु हो तो पीला दिखेगा उस फटिक, जो वस्तु सामने होगा उस प्रकार दिखता है, माने उपाधि के भेद से फटिक में उसका आकार भासने लगता है, ठीक इस प्रकार विषम होगा। तदाकार तो बजते रक्तादि आकार को से प्राप्त होता है स्फटिक, स्वच्छ स्वभाव होता है, उपाधि के कारण अनेक रूप भासता है फटिक। न स्वच्छ स्वभाव या व्यतिरेकेण हरित नील लोहित आदि लक्षण धर्म वेदा स्फटिक से कल्पना तुम सकते, उसके स्वभाव जो स्वरूप है स्वच्छ स्वभाव है, स्वच्छ स्वरूप है फटिक का, उसे अतिरिक्त रूप से फटिक हरा होता है, नील नीला होता है, लाल होता है, इत्यादि धर्म विशिष्ट फटिक की कल्पना करना संभव नहीं है, फटिक का स्वभाव तो स्वच्छ है। और उपाधि भेद दिखाई पड़ता है, उपाधि के कारण अनेक रूप दिखता है, और स्वभाव उसका स्वभाव स्वरूप तो एक है फटिक, वह फटिक वास्तव में अनेक नहीं है, जैसा संबंध सामने हुआ उसके कारण से वैसा भासता है, स्वच्छ स्वभाव वाला है। इसी प्रकार आत्मा भी स्वच्छ स्वभाव वाला है, बुद्धि आदि जो उपाधि के कारण से तद भासता है, दृष्टा श्रोता आदि रूप देखने सुनने वाली बुद्धि है वो आत्मा में भासता है कहना चाहते हैं। न तो स्वच्छ स्वभाव में बदले के बाद स्वच्छ स्वभाव से अतिरिक्त रूप से हरित नील लोहित आदि लक्षण धर्म निवास फटिक से कल्प तुम सकते, फटिक में हरित स्वरूप धर्म हो, नील धर्म हो, लोहित धर्म आदि की कल्पना नहीं किया जा सकता, स्वच्छ स्वभाव ही है वो, तो उपाधि के संबंध से वहाँ भाषण लगता, वास्तव में स्फटिक में हरित आदि बन नहीं सकता। तथा उसी प्रकार चक्षुरादि उपाधि भेद संयोगा, चक्षुरादि जो उपाधि है आत्मा की उपाधि है, इस उपाधि के संबंध से प्रज्ञानगर स्वभाव से एक एवं आत्मज्योतिष, प्रज्ञानगर स्वभाव ही है आत्मज्योति, प्रज्ञानगर है ज्ञान पुंज है वो, ऐसे आत्मज्योति का मैं दृष्टियादि शक्ति भेद करता, दृष्टियादि भेद, दृष्टियादि शक्ति भेद उपलक्षते कहते हैं, आत्मा में दृष्टि आदि जो शक्ति है देखना सुनने आदि की शक्ति, चक्षुरादि के साथ संबंध माने उपाधि संबंध से उसके जो दृष्टि आदि होते हैं धर्म, आत्मा में देखने लगता है, उपलक्षित होता है, वास्ता है, वास्तव में आत्मा में दृष्टि आदि नहीं है, ठीक है। दृष्टांत तथा चक्षुरादि उपेद भेद संयोगा, चक्षुरादि उपाधि भेद के संबंध से प्रज्ञानगर स्वभाव से आत्मा का स्वभाव तो प्रज्ञान धनी है, आत्मज्योति का दृष्टियादि शक्ति भेद उपलक्षित है, कहा उपलब्ध होता है, प्रतीय दृष्टियादि शक्ति भेद आत्मा में प्रतीत हो रहा है,
जैसे रक्त आदि रक्त पुष्प है वो रक्त वर्ण वहाँ फटिक में भाषता है सान्निध्य के कारण उपाधि का लाभ वहाँ भाषता है, वास्तव में फटिक में रक्त नहीं है। इसी प्रकार यहाँ भी आत्मा में वास्तव में दृष्टि आदि नहीं है, जो चक्षु आदि की शक्ति जो दृष्टि आदि है आत्मा में नहीं है, वो अज्ञान के कारण भाषता है, उपाधि के कारण भाषता है। कहा एक नंबर का रूप भेद कहा, दृष्टि आदि शक्ति भेदवान दृष्टि आदि रूप भेद आत्मा में उपलक्षित होता है सान्निध्य के कारण। उपलक्षण में प्रतीयते प्रज्ञान धन से स्वच्छ स्वभाव्यात फलित स्वच्छ स्वभाव स्वर्ग ज्योतिष प्राप्त करते हैं। प्रज्ञान धन जो आत्मा है ना उसका स्वच्छ स्वभाव्यात स्वच्छ स्वभाव है, स्वच्छ स्वभाव वाले को दूसरे का रंग वहां दिखाई भाजता है, स्वच्छ स्वभाव है। फटिक स्वच्छ स्वभाव में बदले से आत्मा का स्वभाव कैसे है, जैसे फटिक का स्वभाव स्वच्छ है उस प्रकार है। तो स्वच्छ स्वभाव होने के कारण फटिक में जैसे रक्तादि वर्णों का आभास आया, इस प्रकार रूपादि का आत्मा में आभास आ जाता है, स्वच्छ स्वभाव है आत्मा का। और आत्मा स्वयं ज्योतिष रूप है, चक्षु आदि की आवश्यकता नहीं उसको, वो तो चक्षु को भी जानने वाला है, स्वयं ज्योतिष प्राचक है। यथाच आदित्य ज्योति अभाष्य भेद ही संयुज्यमान हरित नील पीत लोहित आदि भेद अविभाग्यम तदाकाराभासम भवति। जैसे आदित्य ज्योति आदित्य प्रकाश, आदित्य का प्रकाश अभाष्य भेद ही जो प्रकाश्य वस्तु अनेक प्रकार के हैं, उसके रक्त भी है हरित भी है पीत भी है, अनेकों प्रकाश करता है। तो यदा आदित्य ज्योति जैसे आदित्य ज्योति आदित्य प्रकाश अभाष्य भेद ही उसका प्रकाश्य वस्तु अनेक होने के कारण उनके भेद से अभाष्य जो प्रकाश्य वस्तु है उनके भेद से संयुज्यमान जो रूप संबंध करता है प्रकाश्य के साथ आदित्य ज्योति का संबंध होता है उस स्थिति में हरित नील पीत लोहितादि भेद अविभाग्यम तदाकार आभासम होती। कभी कहीं जहाँ जैसा पड़ेगा वैसे आदित्य ज्योति दिखाई पड़ेगा, जहाँ उसकी किरण जैसे वस्तु पड़ा हरित वस्तु में पड़ा था उसके आदित्य का रंग बदला हुआ भागता, बात में आदित्य स्वच्छ स्वभाव वाला है और हरित आदि वाला संभव नहीं है। हरित नील पीत लोहित इत्यादि आकार क्यों भेद अभाग्यम जो वस्तु जैसा भाग है हरित नील पीत आदि जो वस्तु है उनके विभाग न होने के कारण संबंध है, इसलिए तदाकार आभासम आसे तदाकार तो नहीं तदाकार का आवास होना हो जाता है। तो जैसे वस्तु को प्रकाश करता है वो वस्तु का धर्म आदित्य ज्योति में दिखता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहते हैं। दो नंबर टिप्पणी थी अवभाष्य भेद ही में मान हरितादि प्रकाश विशेष ही का हरितादि प्रकाश विशेष के कारण आदित्य में हरितादि भाषता है, जिस प्रकार ये कहना है। तीन नंबर में तदाकारा भाषम भाषते इत्यादि हरितादि आकार प्रतीतम होती है, आदित्य ज्योति भी हरितादि आकार से भाषने लग जाती है, सान्निध्य में हरित पदार्थ है तो हरित ही है, ठीक इस प्रकार है कहते हैं। तथा उसी प्रकार चार की टुकड़े बताया दाष्टांत के योजित और सिद्धांत में आत्मा में जोड़ते हैं, उसी प्रकार जैसे आदित्य ज्योति जैसे वस्तु के सामने पड़ा वो वस्तु के आकार उसमें भासता है, ठीक इस प्रकार वास्तव में आदित्य ज्योति में वो वस्तु का वर्ण नहीं है, कोई वर्ण नहीं स्वच्छ वर्ण है। इसी प्रकार तथा उसी प्रकार कृष्णम जगत भाषण आत्मा संपूर्ण जगत को प्रकाश करता है, संपूर्ण जगत को प्रकाश करने वाला आत्मा है। चक्षुरादि नीचा संपूर्ण जगत मात्र नहीं चक्षुरादि इंद्रियों को भी प्रकाश करता है आत्मा, तदाकार भवती उसी आकार का हो भाषने लग जाता है, सबको प्रकाश करता है। जैसे आदित्य ज्योति जिसको प्रकाश करेगा उसी वर्ण का भाषता है आदित्य ज्योति, ठीक इस प्रकार सारा जगत को प्रकाश करता हुआ है आत्मा ज्योति, चक्षुरादि इंद्रियों को प्रकाश करता हुआ जो चक्षुरा के धर्म आत्मा में भाषने लगता है, दृष्टि दृष्टा श्रोता आदि कहा जाता है, वास्तव में नहीं ये कहा तदाकार भगवती कहा। पांच और छह की टिप्पणी कहते हैं, पांच का कल्पित नानाकार आत्मा में वास्तव में कोई आकार नहीं, कल्पित नानाकार हो जाता है, कल्पित है औपाधिक है। भगवती छह में कहा आत्मज्योति भगवती कल्पित नानाकार वाला कौन होगा, आत्मज्योति ऐसा हो भाषता है ऐसा होता है आदित्य के दृष्टान्त करके कहा। तथा तो उत्तम आत्मा अयम ज्योतिषा आस्ते इत्यादि ये ज्योति ब्राह्मण ने कहा था आत्मा ज्योतिष मास्ते, उस काल में तो आत्मज्योतिष ही रहता है, स्वप्न काल में तो कहा था।
इत्यादि बोल दिया। ठीक आज देखा ठीक अलग कहते हैं किम एक रूपत्व वस्तु तो दृष्टान्त नास्ति किम वा मिथ्यात्व तन नाना रूपत्व से वक्तव्य। पूर्वादि ने जो कहा था मान 36 प्रश्न में कहा था सिद्धांत में दृष्टांत नहीं मिलेगा, एक का अनेक होने में नाना रूप होने में दृष्टांत नहीं है। क्या आप निर्वय पदार्थ है उसमें एक को अनेक होने में कोई दृष्टांत नहीं मिलता, ऐसे पूर्वादि ने कहा था। एक तो सिद्धांत दृष्टांत नहीं तब रहा कहा दृष्टांत दृष्टांत नहीं है कर किस अर्थ से मानते हो तुम, मान औपाधिक दृष्टांत भी नहीं है या वास्तविक दृष्टांत नहीं कहना चाहते अनेक होने में कि एक रूपत्व वस्तु तो दृष्टांत तो नास्ति, वस्तु एक रूप होने पर दृष्टांत नहीं मिलता ये कहना तुम चाहते हो। सिद्धांति पूछ रहे गुरुवादी से कि एक रूपत्व वस्तु हो एक रूपत्व वस्तु एक रूप है आत्मा एक स्वरूप है एक है होने से दृष्टांत नहीं कहना चाहते हो, अथवा किंबा मिथ्यात्व तन नाना रूपत्व से वक्तव्य अथवा मिथ्यात्व में लेकर के नाना रूप नहीं हो सकता बोलना चाहते हो। मिथ्या नाना रूप हो सकता है आत्मा कल काल में नाना रूप हो सकता है वास्तविक नहीं सर ये है। सिद्धांत ये पूछ रहे कि एक रूपत्व वस्तु और दृष्टांत नास्ति वस्तु जो आत्मा वस्तु है आत्मवस्तु जो आत्मवस्तु है उसका दृष्टांत नहीं एक रूप होने पर दृष्टांत नहीं सिद्धांत में दृष्टांत नहीं कर पूर्वाज ने कहा था गुरु में तो सिद्धांत हमारा है आत्मवस्तु एक होने से दृष्टांत नहीं ऐसा बोलना चाहते हो, अथवा मिथ्यात्व मिथ्यात्म के विषय में माने औपाधिक नाना रूपत्व से वक्तव्य औपाधिक नाना रूप भी नहीं है ये कहना चाहते हो तो सिद्धांत बोलते हैं वक्तव्य दया वक्तत्व भी कहना चाहिए। चार की टिप्पणी में कहा आत्मनो नाना रूपत्व से आत्मा में नाना रूप मिथ्या भी नहीं है झूठा भी नहीं वास्तविक है बोलना चाहते हो तो सिद्धांत बोलते हैं नाद्य पहला वाला पक्ष तो हो नहीं सकता, पहला पक्ष है एक में दृष्टांत नहीं कहना चाहते औपाधिक दृष्टांत हो जाता है ये कहना चाहते नाद्य पहला वाला नहीं क्यों नाना रूप वस्तुवादि वीर भी एकैक रूप से अनवस्था परिहाराथम नाना रूपत्व अंगीकारा अस्माकम अनाना रूपत्व अंगीकारा अस्माकम दृष्टांत सिद्ध पहला वाला पक्ष है एक में दृष्टांत नहीं मिलता है वस्तु एक होने पर दृष्टांत ये तुम भी नहीं मान सकते हो एक में मैं अनेक होने में नाना रूप होने में दृष्टांत नहीं मिलता तुम्हारे यहाँ भी नहीं मिलेगा ये सिद्धांत कहे कैसे नाना रूप वस्तुवादी भी तुम नाना रूप वस्तुवादी हो वस्तु अनेक रूप वाला होता है बोलते हो तुम भक्ति प्रपंच बोलता है ठीक है नाना रूप वस्तुवादी भी रही एकैक रूप से एक एक रूप होगा कोई भी रूप से अनवस्था परिहाराथम अनवस्था में परिहार के लिए अनवस्था में चले जाओगे कहीं मिलो नाना बनना संभव नहीं होता चलते चलते तो इसलिए नाना रूपाधियों के अनवस्था का परिहार करने के लिए विश्राम के लिए अनाना रूपत्व अंगीकारात् अनाना रूपण एकत्व रूप अंगीकार तुम्हें भी करना पड़ेगा इसलिए अस्मानम दृष्टांत हमारे दृष्टांत सिद्ध हो जाता है एक रूप दृष्टांत सिद्ध हो जाता है वस्तुत्व हेतु सर और वस्तुत्व जो हेतु है तो मैंने हेतु दिया था ना आत्मा नाना रूपवान वस्तुत्वात् ये अनुमान दिया था वो बद पूर्व दिया था वस्तुत्व हेतु सर जो वस्तुत्व हेतु दिया था तुम्हें अनुमान में आत्मा अनेक रूप वाला है क्यों का वस्तुत्व है एक वस्तु है जैसे गोबत एक गाय है नाना रूप वाली हो एक रूप और भेरा भेद एक और अनेक रूप वाली है कहा था वस्तुत्व हेतु तत्रैव अनेक अधिकत्वात् वहीं पर तुम्हारे में जा करके व्यभिचार करेगा वस्तुत्व हेतु जहाँ नाना रूप नहीं है वहाँ वस्तुत्व रहेगा जहाँ नाना रूप नहीं है वहाँ भी वस्तुत्व जाके बैठेगा देखना तस्मात एक रूपों में वस्तु स्वीकार तो तुम्हें भी एक स्वरूप वस्तु को स्वीकार करना ही पड़ेगा वस्तु एक ही होता है करके स्वीकार करना पड़ेगा। इस सिद्धांत ने कहा कैसे टिप्पणियों में खुलाते हैं नाना रूप वस्तुवाद भी पांच की टिप्पणी बताया हुआ है भिन्ना भिन्नत्ववादिना जो भिन्ना भिन्नत्वादिना तुम हर वस्तु को भिन्न और अभिन्न दो मानते हो अवयव को लेकर के भेद है अवयव को लेकर के एक है मानते हो भिन्ना भिन्नत्वादिना वस्तु मात्र अनेक रूपम इति वादि भी वस्तु मात्र अनेक रूप है भिन्ना भिन्नत्व के कारण भिन्न भी है अभिन्न भी है
ऐसा मानकर प्रत्येक वस्तु अनेक रूप वाला है, ऐसा जो तुम्हारा मत है तुम्हारे द्वारा भी एक आना जाते हैं वास्तविक वस्तुवादी भी रही एक एक रूप से अनवस्था पर जाना, कोई एक रूप लो उसको चलते 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 अनवस्था में चले जाओ। कैसे जाना है तो छह नंबर का अनवस्था यथा एक एक रूप से अवयव लो, जैसे एक एक रूप वाले कोई एक अवयवी ले लो, पहले एक अवयवी अवयव लो घटा दे, जैसे घटा दी है एक अवयवी है एक रूप है उसका घट अवयात्मना अनेकत्व, अवयव रूप से अनेक है, दो कपाल से बनता है एक घट बनता है अनेक है अनेकत्व तथा उसी प्रकार जैसे एक अवयव का अनेक अनेकात्मत्व हो गया, ठीक इसी प्रकार अनेकत्व घटत्व अवयव एक रूप से चाहे घटत्व रूप से एक मानो चाहे अवयव रूप से एक मानो उस वस्तु का तथा तद अवयवाना में भी अब कपाल में पहुंचोगे घट का अवयव कपाल वो भी एक रूपों का कपाल अच्छा तद अवयवाना में भी कपाल आदि नाम कपाल में जाओगे स्वावयव उसका भी एक अवयव होगा उसका भी उस रूप से वो भी अनेक होगा कपाल भी अनेक होगा, कपाल अपने रूप से एक होगा उसके जो अवयव होंगे उसके अनेक होगा अनेकत्व तथा तद अवयवानव में फिर कपालिका में पहुंचेगे फिर सूर्यगा में उसके भी अवयव उसके भी अवयव अंतिम में परमाणु में पहुंचोगे तो कहाँ पहुंचोगे परमाणु में तब अर्पण स्व अवयवात्मना अनेकत्व इति अनवस्था, अनवस्था दोष आ जाएगा जहाँ पहुंचोगे वहीं पर फिर उसका अवयव की कल्पना हो जाएगी, कहाँ तक कल्पना करोगे अनवस्था दोष है न तो परमाणु निर्वय तो पूर्वाज बोले महाराज हम परमाणु में जाकर विश्राम करेंगे निर्वय पदार्थ है वहाँ अनेकत्व नहीं रहेगा एक सिद्ध हो जाएगा वहाँ पूर्वाजी बोले न सर परमाणु निर्वयवत्वाद तत्र विश्रांति वहाँ जाकर विश्राम हो जाएगा अनवस्था नहीं हो पाएगी, एक पूर्वाजी बोले तो तस्यापि वस्तुत्व अनेकत्व अनुमान परमाणु भी तो एक वस्तु है ना, जो वस्तु होगा अनेक होता है तुम्हारे अनुमान है अनुमान से वहाँ भी अनेकत्व सिद्ध होगा परमाणु भिन्ना भिन्न वस्तुत्वाद वो वत् अवयवित्वाद यही होगा अनुमान न तो तस्यापि गुणत्वादि आत्मना अनेक पूर्वादि बोले महाराज नहीं परमाणु निरवय है उसका अवयव नहीं है किंतु अनेकत्व तो इसलिए होता है वहाँ भी अनेकत्व तो है गुण को लेकर के परमाणु में गंध होगा परमाणु में रूप होगा रस होगा गंध होगा इत्यादि गुणों को लेकर के अनेक हो जाएगा स्वरूपता एक हो जाएगा यदा भेद है वहाँ भी ये भारतीय प्रवृत्ति से कहते कहेंगे न हनुमान विरोध हनुमान का विरोध नहीं है जो वस्तु होगा वह अनेक रूप है के विरोध है परमाणु एक वस्तु है अनेक रूप है वहाँ गुण से उसमें कई गुण हैं रूप रस गंध स्पर्श कई गुण है वहाँ तो गुणों के कारण से अनेक हो जाएगा और गुणी जो परमाणु है वो एक है एक अनेक दोनों हो जाएगा वहाँ तब सिद्धांत बोलते हैं और विश्रांति होती कहा किंतु वस्तु तेल अनेक अनुमान ये कहा गुणादिनापति सिद्धांत का ध्यान बाबा वहाँ भी गुणादि को भी वस्तु गुण भी तो एक वस्तु होगा ना परमाणु में जो गुण होगा वो भी एक वस्तु है वहाँ भी वस्तु तो वो गुण को भी अनेक मानना पड़ेगा फिर एक गुण का अनेक मानना पड़ेगा हवाई और भी कल्पना वहाँ भी होगी ये सिद्धांत बोले गुणादिनापति का वस्तु तेरा प्रत्येक अनेकत्व प्रत्येक गुण भी अनेक हो जाएंगे क्योंकि जो भी होगा परमाणु में रहने वाले गुण भी गुणा भिन्ना भिन्ना एक है अनेक भी है क्यों वस्तु का वो बात वहाँ भी ऐसे होगा एक प्रत्येकम अनेकत्व अनपहारात अनवस्था अनवस्था कहीं भी पहुंचे अनवस्था ही बनेगी इसलिए अंतिम में जाकर के एक में विश्राम करना पड़ेगा जो वस्तु अनेकवादी है उनको भी एक में विश्राम करना होगा इस सिद्धांत ने कहा। आगे साथ में कहा अनारा रूपत्व अंगीकारात है ना साथ में बोलते हैं ऐक्य रूप से अवश्यम अंगीकरण तुम्हें भी एक रूप में स्वीकार करना पड़ेगा अंतिम में तो हम पहले से एक रूप मान के बैठे हैं आत्मा ही है आत्मा से अन्य कुछ नहीं है यही सिद्धांत ने कहा द्वितीय दूसरे दिखा आगे दूसरा पक्ष है मिथ्यात्व अनेक भी नहीं कहना चाहते हो वास्तविक अनेक अनेक है कहना या मिथ्या अनेक है तो मिथ्या अनेक तो हम मानते ही हैं औपाधिक रूप से तो अनेक होता है आत्मा ये कहना चाहते हैं द्वितीय दूसरे दूसरा पक्ष यही है कि मिथ्यात्व तन नाना रूपत्व ऐसे बोलते मिथ्यात्व में उसका नाना रूप है मिथ्यात्व में वास्तविक नाना रूप नहीं है औपाधिक है
वो तो हम मान बैठे हैं, जैसे दांत को नहीं बोले यथा इत्यादि कहा, यथा ही लोके स्वच्छ स्वभाव के युक्त अर्थि का तन्य में तन्य व केवल हरित नील लोहितादि उपाधि में संयोगा तदाकार तो बनते, यही दृष्टांत दिया। जैसे फटिक स्वच्छ स्वभाव वाला है, जैसे जैसे वहाँ पर सन्निहित पदार्थ मिलता है, हरा हो नीला हो पीला हो, उसी प्रकार से भासता है। वास्तव में फटिक में हरा नीला पीला नहीं है, एक ही है फटिक। ठीक इस प्रकार आत्मा बुद्धि आदि के साथ में पड़ा हुआ है, अज्ञान कालीन आत्मा संबंध है, तो संबंध होने से बुद्धि आदि का धर्म वहाँ भासता है। वास्तव में बुद्धि आदि का धर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आत्मा में नहीं है, ये सिद्ध करना है। समय हो गया है, फिर आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दो दिन अवकाश होगा।